हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। देखिएगा, आज जो थोड़ा सा पुल बैक है वो किन स्टॉक्स ने लीड किया है और कहां से ज्यादा दबाव है। तो HUL आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट यही है और HUL ने पूरे बाकी के FMCG मेजर्स को भी नीचे खींचा, इसमें नेस्ले भी शामिल है। दूसरी तरफ SBI लाइफ में आज करेक्शन देखने को मिला, कल दोपहर को नतीजे हम भाप रहे थे। हिंडालको में इसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी का आउटलुक खराब हुआ है तो स्टॉक पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। अब देखिए कितनी दूर की कौड़ी बाजार जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आजकल। एस्कॉर्ट्स कुबोटा स्लम सेल किया है रेलवे बिजनेस का, तो वहाँ पर 6% का नुकसान। डॉक्टर लाल के नंबर्स पर स्टॉक टूटता हुआ। बिरला सॉफ्ट के नंबर्स बाजार को नहीं पसंद आए हैं और FMCG में डाबर एक और काउंटर है जहां पर दबाव देखने को मिला है। तेजी कहां बन रही है? अल्ट्राटेक एक अच्छा मूव, इसमें 2.5% ऊपर। ग्रासिम में भी तेजी का मूव। SBI, श्रीराम फाइनेंस, वीरो अभी मेंशन कर भी रहे थे, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर कुछ खरीदारी बनती दिखाई दी है। दूसरी तरफ मिड कैप साइड पर अगर आप ध्यान दें तो सिंजीन, कल नंबर्स हम देख रहे थे उसके बाद 5% का मूव। REC नवीन फ्लोरीन के नंबर्स के बाद तेजी। दालमिया भारत परसों खूब टूटा था नतीजों के बाद, आज रिट्रेस होता हुआ। आपने एक चीज गौर की होगी, सीमेंट कंपनियों में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है, ये एक पॉकेट है जो थोड़ा सा स्टेप अप करने लगा है।